शादी की पहली रात ही दीपिका का ये हाल हुआ है। पीयूष ने उसे सच्चाई बताई और उसका दिल टूट गया। अगले दिन जब दीपिका ससुराल से पगफेरे के लिए निकल रही थी, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ा था और पीयूष को डर सता रहा था कि कहीं दीपिका अपने घर वालों को सारी बात बता न दे। वैसे किसी और को तो नहीं, लेकिन बुआ को वो सब कुछ पता है जो पीयूष और दीपिका के बीच हुआ। पीयूष को ये डर है कि शायद शायद दीपिका अपने पापा को बोल दे और शायद देवजी जो है, जो दीपिका के पापा है, वो शायद हमारे बाबूजी को बता दे कि ऐसा ऐसा हुआ है। सो कहीं ना कहीं वो डर तो है ही, बट एट द सेम टाइम ही समहाउ फील्स कि उसका जो प्लान है वो परफेक्ट रास्ते पे है। दीपिका ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ताई जी ने भाप ही लिया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वैसे भी पीयूष का मैसेज तो ताई जी ने ही डिलीट किया था ना। तो तेरी अम्मा तेरी प्यार के लिए प्रार्थना करने वैष्णो देवी गई है, पर तेरे बाप को ये पता चलेगा क्या गुजरेगा। लीजिए, शुरू हो गया ताई जी का इमोशनल अत्याचार। एक तरफ ताई जी दीपिका को ससुराल ना छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है और दूसरी तरफ पीयूष है कि अब भी दीपिका से बस पीछा छुड़ाना चाहता है। प्लान यही है कि दीपिका खुद ही ये शादी तोड़ दे और कह दे सबको कि यार हम पीयूष जी के साथ खुश नहीं है। दीपिका हर मुसीबत का सामना डटकर करती है और वैसे ही करती रहेगी, तो लेट्स होप दीपिका अभी भी नहीं टूटे और आगे बढ़ती रहे। बेचारी दीपिका अपनी ये हालत ना घर वालों के साथ बांट सकती है, ना पीयूष के साथ रहना चाहती है। देखते हैं अब वो इस उलझन से कब और कैसे बाहर निकलती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।